हेलो, मैं हूँ मीनाक्षी और मेरे चैनल वेज व्यंजन में आपका स्वागत है। और आज की मेरी रेसिपी है पालक पनीर का कॉम्बिनेशन एक टिक्की के रूप में। तो चलिए देखते हैं ये इंटरेस्टिंग टिक्की कैसे बनती है। लेकिन उसके पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो बिना देर किए जल्दी से ये स्वादिष्ट मज़ेदार टिक्की बनाना करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हमें लेना है पालक के कुछ पत्ते, और जिसे मैंने दो तीन बार अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हम इसे बारीक बारीक काट लेंगे। और जैसा कि अभी सर्दियों का मौसम है तो हरी पत्तेदार सब्जियां तो मार्केट में भर भर के मिल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक इसका अच्छा सा यूज़ किया जाए जो इंटरेस्टिंग भी हो और खाने में भी टेस्टी लगे। तो पालक में तो इतना आयरन होता है कि वो हमें अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए जब तक ये फ्रेश मिल रहे हैं। तो देखिए, अब ये हमारा पालक जो है अच्छे से कट कर तैयार हो गया है। तो चलिए देखें आगे हम क्या करेंगे इसका। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक पैन या कढ़ाई गरम कर लेना है और उसमें इस पालक को हम ऐसे ही डाल देंगे। और इसे हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका पानी सूख जाए। और अब मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा नमक ताकि जो इसका हरा रंग है वो पूरी तरह बरकरार रहे। तो बस हमें इसी तरह इसे थोड़ा सा चलाना है ताकि पानी भी सूखे और इसका कच्चापन भी निकल जाएगा और ये खाने में और भी टेस्टी लगेंगी। क्योंकि अगर इसमें पानी रह गया तो हमारी टिक्की इतनी करारी नहीं बनेगी और अच्छे से बाइंड भी नहीं होगी। तो देखिए, इसका पानी भी सूख गया और इसकी क्वांटिटी भी बहुत रिड्यूस हो गई है, क्योंकि जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो पकने के बाद एकदम से उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो इसे अब हमें बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है इस तरह। अब हमें लेना है दो मीडियम साइज्ड उबले हुए आलू, और जिसे हमें अच्छे से ग्रेट कर लेना है। भाई, टिक्की बने और उसमें आलू ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आलू तो हम सबका ही फेवरेट होता है। तो अब मैं इसे अच्छे से पालक के साथ मिक्स कर रही हूँ। मैं अपने हाथों से कर रही हूँ, आप चाहे तो मैशर की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हाथों से करने से ये अच्छे से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक चम्मच के करीब ब्रेड क्रम्स, जिससे टिक्की की बाइंडिंग अच्छी होगी और वो क्रिस्पी भी बनेगी। अब इसमें मैं हाफ स्पून से थोड़ा कम सॉल्ट ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालें इसमें। और ये है हाफ स्पून के करीब ही धनिया पाउडर, और ये रेड चिली पाउडर है जो मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ क्योंकि मैं अभी इसमें ग्रीन चिली भी ऐड करूँगी। और अब ये है चाट मसाला जो मैं हाफ स्पून से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ, ये एक चटपटा सा फ्लेवर देगा इसको। और ये है जीरा पाउडर, जीरा पाउडर का फ्लेवर भी इसमें बहुत ही अमेजिंग लगता है। और अब हम डाल रहे हैं इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक, और ये है फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली। और अगर आप बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रहे हैं या बच्चों को शाम को ऐसे नाश्ते के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली बिल्कुल ना डालें। और इस तरह इस मिक्सचर को अच्छे से चम्मच से मिला लेना है हमें। तो जी, पालक मिक्सचर के बाद अब आती है पनीर की बारी, जिसे मैं हाथों से ही इस तरह मसल लूँगी क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्रेश है, तो हमें ग्रेटर की भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए। और इसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा ही नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे मसाले पालक के मिक्सचर में डाल दिए हैं। तो बस पनीर भी रेडी है। तो चलिए अब इसे हम एक टिक्की की शेप देते हैं। तो इसके लिए हम पालक और आलू के मिक्सचर को हाथ में ऐसे रोल करते हुए फ्लैट कर लेंगे,
और इसके बीच में हम डालेंगे पनीर की स्टफिंग। और ये पनीर की स्टफिंग लोगों के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट तो होगा ही, साथ में इस टिक्की के स्वाद को भी दोगुना बढ़ा देगा। तो देखिए इस तरह हमने पनीर अंदर डाल दिया है और अब हमें इसे ऊपर से कवर करना है। और इसके लिए हम आलू पालक का थोड़ा सा और मिक्सचर लेंगे और इसे ऊपर से अच्छी तरह सील कर देंगे। बस इसी तरह हमें बाकी की भी टिक्कियाँ अपनी तैयार कर लेनी है। और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि आप इसे पहले भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पार्टी है तो आप इसी तरह बना के फ्रिज में रख लीजिए और जब आपके गेस्ट आएँ तो उसी टाइम इसे फ्राई करके आप उनके सामने सर्व कर सकते हैं। और बच्चों के टिफ़िन में भी देना हो तो आपके लिए पहले से ये तैयार रहेगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और फटाफट आपका टिफ़िन तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमारी टिक्की भी तैयार हो गई है। तो अब क्या करना है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए करते हैं इसे फ्राई। तो टिक्कियों को फ्राई करने के लिए मैंने ये पैन लिया और इसे गरम कर दिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ करीब 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे टिक्की करारी भी बनती है और ऑयली भी नहीं लगती। तो बस हमें तब तक इसे इसी तरह फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए और क्रिस्पी हो जाए ऊपर से, क्योंकि टिक्की खाने का मज़ा तो तभी आता है जब वो ऊपर से अच्छी तरह सिकी हो और करारी सी हो। और ये है भी तो कितनी हेल्दी, देखिए पालक भी है, पनीर भी है और हम इसे डीप फ्राई भी नहीं कर रहे तो ये ऑयली भी नहीं है। तो आप कभी भी शाम के चाय के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं या ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, या आपके घर में छोटी मोटी पार्टी है तो भी आप स्टार्टर के रूप में भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि इसे बनाना है ना कितना आसान। तो बस इसी तरह इसे पलटते हुए हमें अच्छे से सेक लेना है। अब हमारी टिक्की जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और पूरी तरह सिकी हुई भी लग रही है, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो बस जी ये जो हमारी करारी टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं, इसे हम जल्दी से सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए ये आ गई हमारी प्लेट और यहाँ मैं इसे सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे ग्रीन चटनी या इमली की खट्टी मीठी चटनी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बस अब मैं तो गर्मा गर्म चाय के साथ इन टिक्कियों का मज़ा लेने वाली हूँ। और अगर आपका भी दिल इन टिक्कियों को खाने का करने लगा है तो सोचिए मत, जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट भी हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और ये इस तरह हमारी टिक्की ऊपर से करारी और अंदर से पनीर की सॉफ्टनेस के साथ हो गई है तैयार। अब अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मज़ेदार रेसिपीज आपके लिए लेकर आ पाऊँ और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।